जोधपुर शहर के सूरसागर विधानसभा इलाके में वार्ड संख्या 20 में नवनिर्मित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया गया। केंद्र का उद्घाटन पूर्व नरेशगंज सिंह सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास ने किया। इस मौके पर आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में महापौर घनश्याम ओझा सहित भाजपा जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक सूर्यकांता व्यास ने कहा कि इलाके के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए उन्होंने सरकार से मांग की थी और सरकार ने भी उनकी मांग पर विधानसभा इलाके में शहरी डिस्पेंसरी और चिकित्सालय की स्वीकृति जारी की थी, जिसमें से आज एक शहरी स्वास्थ्य केंद्र को जनता को समर्पित किया है। शेष रहे भी जल्द ही जनता को समर्पित करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा इलाके के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए वह संकल्पबद्ध हैं। इस क्षेत्र की कमी को समझा श्रीमंदी के यशस्वी प्रथम नागरिक हमारे अपने महापौर श्रीमान घनश्याम जी ओझा ने। उन्होंने देखा कि इस क्षेत्र में सभी मूलभूत सुविधाओं के जुड़ने के बाद भी छोटी मोटी चिकित्सा की एक कमी इस क्षेत्र के निवासियों को खटकती रहती है। इस हेतु लोगों को कुछ करना चाहिए। यह पीड़ा उनको व्यतीत करती रही होगी। अपनी इस पीड़ा को दूर करने हेतु दृढ़ मानसिक शक्ति के सहारे ये निश्चित कर लिया कि इस क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा अवश्य करवाने के लिए मसूरिया में चिकित्सालय परिसर हेतु मनी आवंटन कर ही दिया। इस हेतु वो साधुवाद के शशिकला सोनी बेन ज्ञान बन हृदय सोनो कुल सोनो बिन पुत्र पुत्र बिन परवर सोनो गज सोनो बिन दंत हंस बिन सरवर सोनो। और मान्यार्थन के लिए मेहमानों के लिए मैं किसी के नेता को बोलूंगा वहां है और उनको मान्यता प्रदान करें। स्वागत की अगली कड़ी में हमारे सूरसागर विधानसभा क्षेत्र के लिए और विशेष तौर से मसूरिया के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, ये चिकित्सालय, इसको जिसे डिस्पेंसरी कहते हैं, मेरे को मालूम पड़ा कि कुछ डिस्पेंसरी है रिलीज होगी। मैंने जब पता चलते ही मैंने पत्र व्यवहार शुरू किया और पत्र व्यवहार शुरू करते करते मैं राजेंद्र सिंह राठौड़ जो हेल्थ मिनिस्टर था उनको धन्यवाद दूंगी। मैंने उनको पत्र लिखा कि अगर डिस्पेंसरी मेरे को दो तो मेरे इस क्षेत्र में ये देना। तो मसूरिया का नाम रखा मैंने लिया, चांदना बाकर का लिया और एक राजीव गांधी कॉलोनी, तीन जगह का मैंने मांग की और तीन ही जगह मेरे को और छोटा स्वभाव तो कीटाणी जैसे मांग की वैसे ही मेरे को सब मिल गई। एक हॉस्पिटल मिला है मेरे को चौपाष्टी के अंदर, वो 5 करोड़ रुपए लागत से बनेगा। तो ये यहाँ पे चिकित्सा, ये जो डिस्पेंसरी बनी है उसका उद्घाटन आज जोधपुर दरबार, जो 9 कोटी मारवाड़ के धनी है वो उसका उद्घाटन कर रहा है, या डिस्पेंसरी खुल रही है। इससे यहाँ के कितने लोगों को लाभान्वित होंगे, अच्छी सी अच्छी दवाई मिलेगी। पूरा यहाँ पे स्टाफ है और महाराजा गज सिंह जी जो कहते हैं कि जोधपुर, और जोधपुर ही नहीं 9 कोटी मारवाड़ का धनी है वो, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इससे ज्यादा हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं होती। मोहल्ले वालों के लिए भी मैं सभी मोहल्ले वालों को भी बधाई दे रही हूँ, और महाराजा साहब पधार करके उद्घाटन किया है, इससे ज्यादा और कोई बात हो नहीं सकती। और सभी मोहल्ले वालों को अच्छी से अच्छी दवाई उपलब्ध होगी और अच्छे से अच्छा काम होगा। पूरा स्टाफ है यहाँ के, CMHO साहब, यहाँ के सारे स्टाफ को मैं आज के दिन बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आयुर्वेदिक दवाई कितनी कारगर है, मैं समझती हूँ, मेरा जहाँ तक है और मैं मानती हूँ आयुर्वेदिक दवाई देसी दवाई के मुकाबले में तो कोई दवाई भी नहीं है। हर व्यक्ति को ये दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए, इनके काफी लाभ मिलता है। थोड़ा समय जरूर लगता है मगर इनका काफी लाभ मिलता है, मैं समझू लोगों को इसका लाभ मिलता है।